नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। बार बार धोखा देता है, रोड पर साइकिल चलाने के लिए मुश्किल है। अरुण के करके 3 साल चलते, 3 बार विधायक बने, कुछ नहीं हुआ। 3 आदमी की चिंता है, बाकी भारत में नहीं। आज इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए हैं और इस उपस्थिति में एक बात बहुत अच्छी सी जाहिर हो रही है, ये निश्चित रूप से महागठबंधन है और महागठबंधन जो चाहेगा निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। सर, मैं 2-4 बात आपके पास बताऊंगा। आज ऐसे समय में ऐसा क्या कारण बसा जिसके कारण झारखंड में महागठबंधन बना, देश के अंदर महागठबंधन बना? आप जानते हैं कि बार बार हमारे देश के अंदर में ये डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार कोई विकास का काम की बात नहीं करते हैं, ये हिंदू और मुसलमान की बात करता है और हिंदू और मुसलमान के अंदर में लड़ाने का काम करता है और आप वो अपना अपना राजनीति करने का काम, ये इतिहास बता रहा है। 2014 में भी किस तरीके से लोगों के बीच में झूठा वादा कर लोगों को 15-15 लाख रुपया अकाउंट में डालने का नाम पर आदमी के बीच में मंदिर मस्जिद बनाने के नाम पर 370 का लागू करने के नाम पर लोगों के बीच में दिग्भ्रमित करने का काम किया, लेकिन ये बात आज जमीन पर सारे लोग आज के दिन में ये अवगत हो गया, ये जानकारी लोगों को मिल गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार चल रही है किस तरीके से लोगों के साथ ठगने का काम किया है। हमारे झारखंड में भी बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री के नाम पर लोगों के बीच में रोज नया नया घोषणा की बात करता है, लेकिन उसका धरातल पर जाइए तो आपको दिखाई नहीं देगा कि किस तरीके से झारखंड का हो गया। लेकिन 15 साल अगते बेटे हो रहे हैं, 15 साल में जो नारा लगा रहा विकास पुरुष का, मैं इस मंच से उन्हें कहना चाहूंगा कि विकास पुरुष किसे कहते हैं, जरा अपना स्टेट से हट के जरा सा बगल में बंगाल है, चलिए देखिए। आज 7 बजे शाम में सड़क पर निकल जाइए तो लगता है कि अंधेरा में अगर अठन्नी भुला गया तो आप खोज नहीं पाइएगा, इतना अंधेरा रहता। जिसके हाथ में 15 साल हमने भाग दौड़ दिया, उस क्षेत्र का ये हालत हो, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, ये नौजवानों के लिए शर्म की बात है। इसलिए इसको गंभीरता पूर्वक लेके इसको बदलना बहुत जरूरी है। जब तक इसको नहीं बदलिएगा निशा में बदलाव नहीं हो सकता, उसको बदलना पड़ेगा। अभी देखिए अभी एक नया राज हो रहे हैं कि हमने ब्रिज का निर्माण करा दिया, अरे झूठा, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। ये हाल हमारे जनप्रतिनिधि का है। हम ये जो ब्रिज का काम हो रहा है, हमारे रेलवे बोर्ड में हमारे नेता अशोक मंडल जी चैंबर का सदस्य रहे हैं, वो बताएंगे इसके बारे में पूरी बात। ये बोलता 17 बार हमने विधानसभा में बात उठाया है, मैं आपको बता देता हूँ, उसका रजिस्टर जाके चेक कर लो, 17 बार कि 5 साल में विधानसभा में नहीं गया, इतना बड़ा झूठा है। अब यही समझ लीजिए ना कि अभी चुनाव की घोषणा होने से पहले ऐसा एक झूठ का रिमन उड़ा दिया कि गठबंधन में मैं लड़ूंगा, अशोक मंडल जी नहीं लड़ेंगे, अशोक मंडल जी झारखंड विकास मोर्चे से लड़ेंगे। आप विकास का दावा करते हैं, बताइए कहाँ विकास है? हम इस मंच से आपसे पूछना चाहते हैं, आप जवाब दीजिए कि आपका विकास कहाँ नजर आ रहा है? मंदिर बना देना और मस्जिद बना देना यह लोगों का विकास नहीं है। विकास है शिक्षा चाहिए, अस्पताल चाहिए,
यहाँ से मरीजों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए। 5 साल में ना बरबंदिया पुल में काम लगा, ना निरसा चिकुंडा मदंडी पांडरा और कलियासोल के साइड में जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी हुई बर्बाद हो रही है, ना उसमें आप डॉक्टर ला सके। आप खोखला दावा करते हैं विकास का, इसलिए पूरे झारखंड में परिवर्तन की लहर है, हर लोगों में एक आक्रोश है आपके खिलाफ। जनता में इस बार कोई पार्टी की बात नहीं है, जनता बदलाव चाहती है और जनता यहाँ बदलेगी। यहाँ अशोक मंडल को विधायक चुनकर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएगी। राज्यसभा में हम लोग को वोट दिया है 2 करोड़ रुपया लेके, और बीजेपी
पैसा के जो लाता राती झोंकेगा इस पर सबसे ज्यादा सावधान रखना है। और जहां बाबो जहां मारो हम लोग जेल जाने तैयार है, आगे हम रहेंगे। हम लोग अशोक मंडल के बहुत मान सम्मान के बात है, लालू जी के बात है, हेमंत सोरेन के बात है, सोनिया गांधी के बात है। हम लोग नहीं जीतेंगे तो हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। भैया कहा जाए कि नीमक रोटी खाओ और बच्चा का पढ़ाओ, वही हाल हो। हमने नीमको रोटी खा के एक कैंडिडेट के 30 साल के मरण कैंडिडेट के निकालो। भैया बड़ी सब धन दुखा दिया, हम लोग हम लोग रात की नेट कर दो और हम लोग अशोक मंडल की जिता दो, ये वादा करते हैं। हम लोग हम लोग कोई कमी नहीं होगा, हम लोग सरकार है और सब काम से जिएंगे और सुखी चैन से सूटेंगे। नहीं नहीं रहेगा बीजेपी वाला तो हम लोग गुरु जी जिंदाबाद, सोरेन जिंदाबाद है, भेदभाव में नहीं। और मीडिया वाला कोई वाला तरह तरह के प्रचार करेगा, अरे वैसे करो ई भरम में नहीं रहना भैया। सब पैसा के जोर पर सब बिकता है, बाकी हम लोग अभी नहीं बिकना तब हम लोग के निर्सा चिरकुंडा के जान बचेगा और न तो जान हम लोग के नहीं बचेगा। एनआरसी फेनआरसी मुसलमान नाम लेते रहो, बाकी सब दरकिनार कर दो, सब बढ़ाकर नदी में डुबा कर रख दो। और भेदभाव नहीं लेना है और हम लोग के अशोक मंडल के 16 तारीख के हम लोग सब एक चटिया भोट दो, कोई भेदभाव हम लोग कोई चीज नहीं लगेगा। पैसा हम लोग नहीं कमाएगा, पैसा का रुपये से नहीं कमाएगा, हम लोग नहीं कमाएगा। कोई चलेगा तो चलेगा, मार होगा तो होगा। हम लोग के इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा।